हमारे देश में जितने भी ऐतिहासिक हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं वो महज एक पूजा करने का स्थान नहीं होते। हर एक मंदिर अपने पौराणिक कथा, सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक मान्यताओं से जुड़े हुए होते हैं। हमें इस बात को गर्व से कहना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली और अलग अलग कला के धनी थे, जिसका प्रमाण हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। वो अपने कला और संस्कृति के प्रति बहुत ही जागरूक थे और उनको बचाने के लिए सक्षम भी। जैसे कि हमारे देश में अनगिनत त्यौहार मनाए जाते हैं हर साल, जो कि हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। हर एक त्यौहार का अलग महत्व है और उनको मनाए जाने का कारण भी अलग है। ये हमारे हिंदू विरासत की देन है जो कि सदियों से चली आ रही है। जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, कृष्ण जन्माष्टमी और ऐसे बहुत सारे हिंदू त्यौहार हैं जिनको देश भर में मनाया जाता है। साल के हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं और उन त्यौहारों को मनाए जाने के पीछे अलग कारण भी होते हैं। जैसे कि दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो कि अंधेरे के ऊपर उजाले की जीत को दर्शाता है और ये त्यौहार भगवान राम से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो उनके आगमन को दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। और ऐसे हर एक त्यौहार हमारे हिंदू संस्कृति के श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्राचीन हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी संस्कृति और हस्तकला की कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी पे हैं, जहाँ पे विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ चुका है, लेकिन प्राचीन भारत के कारीगरी को समझ पाना आज भी बहुत ही मुश्किल है। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है उन प्राचीन मंदिरों पे, जिनकी बनावट शैली आधुनिक विज्ञान को हैरान कर देती है। जैसे कि तमिलनाडु स्टेट पे मौजूद बृहदेश्वर मंदिर, जो अपनी शिखर की ऊंचाई की वजह से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट है। इसको बनाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की खास बात यह है कि कारीगरों ने मंदिर को इस तरह बनाया है जिसकी परछाई जमीन पर नहीं गिरती। और ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस समय के कारीगरों की अद्भुत प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। मंदिर के शिखर पे जो कुंभम है उसका वजन करीब 80 टन है और इतनी भारी चट्टान को बिना कोई मशीनरी के उतनी ऊंचाई पे स्थापित करना अपने आप में आश्चर्यजनक प्रसंग है, जो आधुनिक भारत के कला कौशल के हुनर को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र पे मौजूद है, जो प्रसिद्ध है अपनी आर्किटेक्चर के लिए, एक खड़ी चट्टान को काट के बनाया गया है ये मंदिर। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर को बनाने के लिए 2,00,000 टन चट्टानों को काट के निकाला गया है, जो कि प्राचीन भारत की आधुनिक कला को दर्शाता है। तो ऐसे कई अद्भुत कार्य और बेहतरीन संस्कृति से भरा हुआ है हमारा देश और धर्म, जिसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं भारतीय लोग। प्राचीन ग्रंथ और परंपराओं की समझ और उनके अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं आज के युवा पीढ़ी। और इसकी वजह पश्चिमी देशों की संस्कृति का बढ़ता हुआ बाजारीकरण, मीडिया, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की माध्यम, जिसकी वजह से युवा वर्ग उन पश्चिमी जीवन शैली की तरफ खींचा चला जा रहा है। इसीलिए हमें हमारे धर्म
संस्कृति और कला को समझना जरूरी है ताकि उसकी अहमियत का पता चल सके।